जय गुरु जी, मेरा नाम आशा दुआ है। मैं गुरु जी के पास तकरीबन 2005 से आना शुरू हुई, मगर जब मैं आई तो मैं भी इतनी आसानी से गुरु जी के पास नहीं जुड़ पाई। जैसे सब लोग कहते हैं कि आने से पहले कि भाई अगर कोई कहता है कि गुरु जी के पास चलो, सबके दिमाग में यही होता है कि गुरु जी वही लंबी दाढ़ी मूछ वाले होंगे, भगवा कपड़े होंगे, और अच्छी फीलिंग किसी के दिमाग में नहीं आती जब कोई भी कहता है गुरु जी के पास जाना है। मगर मेरे टाइम में था कि मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं था कि गुरु जी क्या है, कौन है, कुछ नहीं। मेरे कजन ने मुझे एक दिन बोला कि दिलीप, मैं तेरे को एक गुरु जी के पास लेके जाना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे कहीं नहीं जाना। मैं उस टाइम तक जिंदगी में इतना थक चुकी थी कि मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस दुनिया में भगवान होता है या वाकई ही कोई तुम्हारा हमदर्द होता है। अब यकीन मानिए, मैं मतलब जब से मेरा बेटा हुआ उस टाइम तक वो 25-26 साल का था, और मैं राइट फ्रॉम हिज बर्थ इतना बीमार रहती थी। आई यूज टू टेक 20 टेबलेट पर डे, और इतनी बीमारी के बाद मेरे को जिस किसी ने बोला किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी साधु संत के पास जाओ, या किसी भी फकीर या किसी उसके पास जाओ, मैं सब जगह धक्के खा चुकी थी। अब आके लगता था कि जिंदगी ऐसे ही होती है और ऐसे ही दुख काटने हैं। तो जब ब्रदर ने भी बोला गुरुजी के पास जाने के लिए, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया। और जिस तरह से बात की, उस दिन थर्सडे था, और मुझे ये लगा कि इसको मैं मना कर दूं। तो मेरे को कहता है दीदी कल क्या करें, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे, उसने 3 दिन के लिए पूछा कि क्या कर रहे हो। और मैंने सिर्फ यही जवाब दिया कि बिजी हूँ, कहीं जाना है, फैमिली में शादी है। तो उसने एकदम पूछा आज क्या कर रही है। पता नहीं क्या दिमाग में आया, या ये कहो कि गुरु जी का बुलावा था। तो मैंने एकदम यही बोला कि आज तो कुछ नहीं कर रही। कहता चल फिर आज कर ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दुआ सब माने या नहीं माने, मतलब मैं आ जाऊंगी तो मुझे रास्ता बता देना। कहता ठीक है। मैं जैसे ऑफिस से घर गई तो बेल बजाई, मेरे हस्बैंड ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने पूछा दरवाजा खोलते बोला कहाँ चलना है। मैं इतना हैरान कि मैंने तो इनको कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा कि भाई सनी का फोन आया था मेरे कजन का, तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे बैंक में ड्रिंक पार्टी थी, मुझे पिछले कमरे में ऐसे हम लोग सब बैठे थे और एकदम आवाज आई कि घर जा, आशा को कहीं जाना है। कहते मैं पार्टी छोड़ के आ गया, बोल कहाँ जाना है। मेरे को बड़ी हैरानी सी लगी कि क्या हुआ। तो उसके बाद जैसे इन्होंने सेकंड स्टेप पूछा, मैंने कहा सन्नी ने बोला कि गुरु जी के पास जाना है, तो कहते हैं चल फिर। मेरे हस्बैंड जो जब मैं मंदिर भी जाती थी तो ये बाहर खड़े रहते थे, मैं अंदर जाती थी, ये अंदर नहीं जाते थे। तो उस दिन इन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा। मेरे को दूसरी हैरानी ये हुई कि जो आदमी मंदिर के अंदर नहीं जाता वो बोलते कि साथ चलूंगा गुरु जी के पास। मैंने कहा ठीक है। हम लोग फटाफट नहाए धोए और मंदिर के लिए निकले। हमने रास्ते में उसको मिलना था, कजन को, उसको मिले और उसके साथ चले। जैसे उसकी गाड़ी में बैठे इतनी तेज बारिश कि पूरे वाइपर चला के भी सड़क पर नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा सनी तू तो कहते हैं कि जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उस पर पैदल जाना होता है, इतनी बारिश में कैसे जाएंगे। और मेरे दिमाग में था कि गुरु जी का आश्रम ये कह रहा है मीन्स कोई जंगल और कच्चे गाँव चाँव ऐसी जगह होगी। तो कहते नहीं दीदी तू चिंता बहुत करते, तो सोच मत, पहले वहाँ पहुँचे तो सही। हम लोग जैसे वहाँ एम्पायर स्टेट के बाहर पहुँचे, उसने गाड़ी लगाई, गाड़ी लगाते ही बारिश बिल्कुल बंद। हम लोग बाहर मेन रोड से लेके एम्पायर स्टेट जहाँ गुरु जी बैठते थे वहाँ तक बिल्कुल सूखे गए, किसी मतलब सिर्फ हमारे पर ही क्या, जितनी संगत आई कोई भी संगत गीली नहीं आई। गुरु जी के पास गए तो देखा गुरु जी, तो मैं समझ नहीं पाई कि गुरु जी है। तो सनी ने बोला दीदी पहुँचो। जैसे उसने माथा टेका मैंने भी टेक दिया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि कौन है, क्योंकि गुरु जी तो पेंट शर्ट में इतने हैंडसम, और जो एक आइडिया होता है गुरु जी का वो टोटली हमें नजर नहीं है, मगर उनके फेस पर जो ग्लो था
वो देख के लग रहा था कि कुछ है जो समझ नहीं आ रहा था। तो एकदम गुरु जी के पास जाने के बाद तो इसी तरह सनी ने मुझे ये बोला था कि दीदी बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर इन द ईयर 99, तो मैं अपने डैडी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो शायद यही मेरी वीकनेस थी या क्या था। तो सनी ने मुझे यही बोला कि दीदी तू गुरु जी के दर्शन करेगी ना, डैडी को भूल जाएगी। और रियली जब मैं गई, मैंने गुरु जी के जब दर्शन किए तो सिर्फ मुझे मेरे फादर ही उनमें नजर आए, और मैं यही देख के पहले दिन बैठी और मैं चुपचाप जैसे डैडी से बातें करती थी, अपने मन मन में बातें कर रही हूँ, सोच रही हूँ, वहीं बैठे हैं। और पता नहीं कब वो डेढ़ दो घंटे बीत गए, उसके बाद ये हुआ एकदम घड़ी पर दिमाग गया, उस टाइम 9:15 बजे थे। 9:15 बजते ही मेरे को दिमाग में आया कि हम लोग तो ऑफिस आए थे, कुछ खाया भी नहीं था, और मेरे हस्बैंड का तो रूटीन टाइम है 8 से 8:30 के बीच में खाना खा लेना, और मुझे लगा आज तो घर जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, बहुत आफत हो जाएगी, कहेंगे पता नहीं कहाँ ले जाती है, कहाँ फंसा देती है, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम और बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर क्या करते, अब जैसे बस ये दिमाग में आया उसी टाइम देखा कुछ लोग उठ के गए, कुछ सारे कमरे में चहल पहल सी मच गई, कुछ लोग जा रहे हैं, चटाइयां बिछ रही हैं, लंगर आ रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वहाँ चाय प्रसाद मिलता है या लंगर प्रसाद मिलता है। तो जब देखा लंगर प्रसाद थाली आई, इतना ब्यूटीफुली सर्व लंगर कि उसमें चपाती प्रसाद, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, मीठा और साथ में चटनी भी। मैंने कहा वो ना आज दुआ सब तो खुश हो जाएंगे, अब घर में झगड़ा नहीं होगा। बिकॉज मेरे हस्बैंड कहे कि चाहे बाहर का कुछ भी खा ले, मैं जब तक उनको दाल रोटी नहीं मिलती ही इज नेवर सेटिस्फाइड। उसके बाद हमने लंगर किया, हाथ धो के आए। हाथ धो के आने के बाद ये नियम होता था कि गुरु जी से आज्ञा लेते थे, ऐसे हम लोगों ने भी गुरु जी के पांव छुए। छूने के लिए जब लाइन में लगे हुए थे, मेरे आगे कोई 7-8 लोग थे, तो गुरु जी उस लाइन से थोड़ा गर्दन टेढ़ा करके मुझे देखते थे और थोड़ी सी स्माइल पास करते थे, फिर दूसरी साइड से देखते थे, फिर स्माइल पास करते थे। मुझे लगा शायद मेरे से कोई गलती होगी, मैं पहली बार आई हूँ और मुझे पता नहीं या क्या सिस्टम है, क्या होना चाहिए। मुझे जैसे मेरा नंबर आया, गुरु जी के माथा टेक रही थी आज्ञा के लिए, तो गुरु जी ने मुंह पर हाथ रखा और बड़ी प्यारी स्माइल देते हुए साइड में चेंज करके कहते हैं ब्लेसिंग भी हो गई, लंगर भी हो गया, कार से झगड़ा भी नहीं होया, और की चाहिए, जाओ ऐश करो। मेरे तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि ये बातें सब मेरे दिल की थी, इनको कैसे पता लगी। मैं भागी भागी गई जहाँ वो सनी था, उससे पूछने के लिए। मैंने कहा सनी जल्दी बोल रहे, ये बता कि इनको कैसे पता लगा कि भी मेरे मन में ये बातें थी। तो उसने बोला दीदी तो समझी नहीं, ये कोई साधारण गुरु जी नहीं है, ये भगवान है। और उससे भगवान किस अच्छी सी उसने आवाज में कहा या मुझे क्या वाइब्रेशन आई, उस दिन से बस यही था गुरु जी मेरे भगवान है, मेरे माँ बाप है, भगवान है, क्योंकि मैंने तो उनको पहले ही टाइम से एज अ फादर माना था। जिसको एज अ फादर मानो तो प्यार भी उसी हिसाब से होता है। मैं बताया ना, मैं अपने डैडी को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, मगर गुरु जी को जब देखा मैं सचमुच अपने फादर को भूल गई, और गुरु जी में ही सब कुछ मैंने पाया, और गुरु जी ने भी मुझे इतना प्यार दिया। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो सारी संगत को प्यार नहीं करते, गुरु जी के पास जो भी आता है गुरु जी उसको बहुत प्यार करते हैं, मतलब अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार गुरु जी करते हैं। मैं भी माँ हूँ, मैं भी ये सोचती हूँ कि हम बच्चों को प्यार करते हैं, पर हम बच्चों को प्यार करते हैं हमारी कहीं ना कहीं सेल्फिश भावना जरूर होती है कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, नाम होगा, ये वो, हम अपने लिए ही सोचते हैं। मगर गुरुजी तो वो हैं जो हमें प्यार करते हैं, मगर हमसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते। गुरुजी हमारा चुपके चुपके कल्याण भी कर देते हैं, मगर वो हमें ये भी नहीं जताते कि मैंने तुम्हारे लिए किया। जैसे मैंने बताया कि गुरुजी के पास आने से पहले आई यूज टू टेक 20 टेबलेट्स पर डे, मगर गुरुजी के पास आती रही तो मुझे नहीं पता कि मैंने दवाइयाँ बंद कर दी या क्या हुआ। एक दिन सनी ने से दोबारा पूछा है दीदी अब तो कितनी टेबलेट लेती है, देन आई रियलाइज आई स्टॉप टेकिंग ऑल द मेडिसिन।
Really, I was not taking even a single medicine up to that time. मैंने कहा ये क्या हुआ, जो इंसान 20 टेबलेट्स पर डे खाता हो, अगर उनमें से एक भी मिस हो जाती थी तो मेरा हॉस्पिटल में इलाज होता था, घर में मेरे लिए कुछ नहीं होता था और मेरे को हर महीने डेढ़ महीने बाद हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता था। जिस इंसान की इतनी बुरी हालत हो, जैसे गुरुजी क्या आपने भी कभी सुना हो कि शब्द चलते हैं और शब्द का जो वहाँ वॉल्यूम होता था बहुत ऊंचा होता था और मैं मतलब अगर कोई मुझे जोर से आवाज भी दे दे मैं इतना नहीं सुन सकती थी और मैं तो बेहोश हो जाती थी। मगर वो शब्द कितने ऊंचे सुर में होते थे कि मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं इतना ऊंचा वॉल्यूम नहीं सुन सकती और मेरे सारी प्रॉब्लम ही ठीक हो गई। जिसके बाद मुझे लगा कि अब कितना टाइम हो गया, 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, ना तो मुझे कभी हॉस्पिटल जाना पड़ा, ना डॉक्टर के पास, कभी कोई भी मेरे को सोचने की जरूरत नहीं। मुझे ये पता मेरे गुरुजी हैं, बस इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि गुरुजी मेरे फादर जैसे मुझे प्यार करते थे। मेरे फादर क्या होता था कि अगर मैं अपने घर में बीमार हूँ या सिर दर्द है तो मेरे फादर वहाँ से उठ के आते थे, चाहे रात के 2 बजे हों या 12 बजे हों, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। मगर गुरुजी तो मेरे को कोई कष्ट आने ही नहीं देते और कष्ट आने से पहले ही वो मेरे साथ होते हैं, तो मुझे इसलिए किसी और की याद ही नहीं आती कि डॉक्टर का सोचूं या मैं अपने डैडी का सोचूं। और मतलब मेरी प्रॉब्लम क्या थी, एक्चुअली मेरे सिर में थे फ्लोटिंग ब्लड मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण से कहते हैं कि सिर में वो एक जगह इकट्ठे हो जाते होंगे और उसके कारण से मुझे चक्कर, उल्टियां और बहुत बुरी हालत होती थी। आंखों के आगे अंधेरा हो जाता, मैं सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाती थी, ये हालत होती थी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसके लिए डॉक्टर भी बोलते थे कि ऑपरेशन होगा और वो भी दिल्ली में नहीं हो सकता, कलकत्ता या बॉम्बे में होगा और 50-50% चांसेस है कि आप बचोगे और बचोगे तो नॉर्मल हालत में रहोगे या नहीं। मेरे को ये लगा कि ऑपरेशन का मतलब सिर के बाल काटना और मेरे बाल लंबे हैं गुरु जी की कृपा से और मुझे छोटे बाल या कटे हुए बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो शायद ये गुरु जी को भी मालूम था, उन्होंने मेरा ऑपरेशन नहीं होने दिया। अच्छा ये प्रॉब्लम जो थी उस टाइम तो खत्म हो गई, गुरु जी ने जब शरीर छोड़ा तो फिर मुझे लगा मेरे राइट साइड में सिर के जैसे एक मोटा रोड़ा सा बन जाता है, गोला सा बन जाता है, ऐसा कुछ बन गया जिसके कारण से मैं कंघी करती थी तो सिर में दर्द होता था या राइट साइड करवट लेती थी तो मेरे सिर में दर्द होता था। तो मेरा बेटा भी डॉक्टर है, उससे भी पूछा, कहता मम्मी आपको तो पता है कि इसका इलाज ऑपरेशन है तो आप ऑपरेशन करा लो। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन तो नहीं कराना। एक डॉक्टर से पूछा, वो भी कहता इसका हल तो ऑपरेशन है। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, अब मेरे गुरुजी हैं, मुझे कोई चिंता नहीं, जो होता है होने दो। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा उसके बाद ये बात है 18 जुलाई की, उस दिन क्या हुआ कि जब मैं रात को सोई तो ऐसे दर्शन में गुरुजी के जैसे गुरुजी सिंहासन पर बैठे, मैं बिल्कुल उनके पांव के पास बैठी हूँ और कुछ प्रसाद खा रही हूँ। गुरुजी का लेफ्ट हैंड मेरे सिर के राइट हैंड जहाँ मेरी प्रॉब्लम थी, फोड़ा जो बना हुआ था, उस जगह आके लगा और गुरुजी ने कहा खराब है। एक पेड़ में देखा काफी संगत आगे, पूरा हॉल भर गया और गुरुजी जैसे उतरा हाथ उठा के सबको नमस्ते करते थे, किसी को हाथ से ब्लेस करते थे, सब कुछ कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे उसी फोड़े की जगह हाथ रखा और कहते खराब है, ठीक कर देंगे। उसके बाद दर्शन सुबह उठी, मेरे को कुछ याद नहीं और सेकंड या थर्ड डे मैंने महसूस किया कि जब मैं कंघी कर रही थी कि मेरे सिर में दर्द नहीं है। मैंने हाथ लगा के देखा, वो जो रोड़ा बना हुआ था वो बिल्कुल गायब और कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे गुरु जी हमारा हर इलाज, हर ऑपरेशन बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी डॉक्टर के, किसी की हेल्प के लिए बिना ही वो हमारा हर ऑपरेशन कर सकते हैं। गुरुजी हमारे दिल में बसते हैं, हमारे रोम रोम में गुरुजी हैं और उनके लिए तो आप ये कहो कि उनको हमारी हर इच्छा, हर बात, हर सांस का पता है। सिर्फ इसी जन्म का नहीं,
हमारे कितने जन्मों का उनको पता होगा जो उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है। मैं कहती हूँ हम लोग तो बहुत पापी हैं, पता नहीं कितने सारा दिन पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या क्या नहीं करते, कितने कुकर्म करते हैं, मुझे तो यही लगता रहता है। मगर फिर भी गुरु जी देखो कितने महान हैं, उन्होंने हम जैसे पापियों को भी अपने चरणों में लगा लिया, वरना आज हमारा क्या होता। जो आज की जनरेशन आप ये देखो, जो यंग बच्चे जुड़ते हैं या हम लोग जुड़ते हैं, आजकल क्या है कि टीवी देख लो, बाहर घूम लो, अगर जेंट्स है तो ड्रिंक कर लो, सबका शाम को यही रूटीन होता है। मगर गुरु जी ने देखो उस जिंदगी से बचा के हमें अपने चरणों में जोड़ा, जहाँ आप दो घंटे आराम से शब्द सुनते हो, और शब्द सुनते सुनते कई में कहानियाँ भी होती है, चाहे आप कहानी के माध्यम से जुड़ो, चाहे शब्द की मिठास के कारण से, मगर इंसान खो जाता है और सामने गुरु जी के दर्शन हो रहे हो तो आपको दुनिया सारी भूल जाती है। बाकी आप कितनी परेशानी में हो, कुछ भी हो, आप एक बार ही गुरु जी के पास पहुँच जाओ, कोई भी परेशानी नाम की चीज ही नहीं नजर आती। आपको ये नहीं सोच होती कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके घर में क्या हो रहा है या आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, कुछ दिन दुनिया की खबर नहीं रहती। ये गुरु जी है, ये उनका प्यार है। जब हम किसी से सच्चे मन से प्यार करते हैं तभी हम उससे जुड़ सकते हैं, और जब हम उनसे जुड़ते हैं तो फिर वो हमारे है ना। जब वो गुरु जी हमारे हैं तो आप सोचो वो हमें किसी मुसीबत में आने ही नहीं देते। मगर ये तब होता है जब हम लोग सच्चा प्यार करते हैं, बिना प्यार के तो हमें कुछ नहीं मिलेगा ना। अगर जैसे छोटा बच्चा होता है, वो जमीन पर बैठा है, माँ उसको दूर से देखते ही जमीन पर बैठा है, मगर जैसे ही बच्चा उसके खड़ा होता है माँ थोड़ा चौकन्नी हो जाती है कि मेरा बच्चा उठा। और जब वो उसके अपना पहला स्टेप लेने लगता है तो माँ के हाथ ऑटोमेटिकली उसको पकड़ने के लिए आगे की तरफ आते हैं कि बच्चे को मतलब छुए भी नहीं और उसका ध्यान भी रखे, और माँ उसको हर कदम कदम के साथ संभालती है, माँ अपने बच्चे को गिरने नहीं देती। गुरु जी हमारे लिए वही है, हमारे माँ बाप सब कुछ, वो हमें हर कदम पर संभालते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि गुरु जी हमारा सर, अपनी संगत का सर कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देते। जो चीज हमें 30वें दिन जरूरत हो वो हमें 29वें दिन मिल जाती है, मगर भरोसा उस मालिक का हो। जिंदगी में एक दो जगह नहीं, मैंने हर जगह ये देखा है कि गुरु जी हमारे साथ हर टाइम साथ है, हर टाइम साथ है। और कई चीजें ऐसी होती है जहाँ हम गुरु जी को याद भी नहीं करते, मगर फिर भी गुरु जी को पता होती है, वो उन चीजों को देखते हैं। एक मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ कि गर्मियों की बात है और हमारा इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था उन दिनों, तो ये बात है ट्यूजडे नाइट की। तो मेरी बेटी उठी, मतलब उसने देखा बहुत जोर जोर से कुछ पटाखे बजे होंगे, मगर मुझे नहीं मालूम, हम लोग सो रहे थे रात को, कोई 12 बजे की बात है। तो वो उठ के एकदम मेरे कमरे में आई, मम्मी उठो जल्दी उठो, देखना पटाखे निकल रहे हैं। मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं आया, मैंने कहा वो किचन की एक लाइट खराब थी, शायद उसके कारण से हो गया होगा। मैंने लाइट बंद की, एग्जॉस्ट चलाया और आके सो गई। मैंने कहा कुछ नहीं, ये जो जलने की स्मेल है अभी खत्म हो जाएगी, हमें कुछ नहीं पता लगा, रात को आराम से सो गए। और सुबह जब उठे तो मेरे हस्बैंड ने लाइट का मेन जो स्विच है ड्राइंग रूम के स्विच जलाने के लिए उसको देखने गए, और देखा तो वो जो स्विच बोर्ड लगा होता है ड्राइंग रूम में वो तो सारा काला हुआ पड़ा था, बिल्कुल जला पड़ा था। फिर उन्होंने मुझे जगाया, कहते हैं कि देख रात को यहाँ पर पटाखे निकल रहे थे और तुझे पता नहीं लगा। मैंने कहा मुझे जब पटाखे ही नहीं सुने तो ये क्या पता लगता। तो मैंने कहा चलो अब इन्वर्टर लगवा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बात थी जैसे ट्यूजडे नाइट के, तो इन्वर्टर वाले को फोन किया, वो सैटरडे को आया और इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया कि भाई कुछ जल गया है देख लेगा। और जैसे वो इलेक्ट्रिशियन आया उसको मैंने कहा कि भाई वो इन्वर्टर का काम तो बड़ा है तो पहले स्विच बोर्ड खोल के देख ले। उसने जैसे वो स्विच बोर्ड खोल के देखा, आप यकीन मानो उस स्विच बोर्ड में कोई एक तार भी किसी स्विच के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, सारा स्विच बोर्ड अंदर से जल गया था
और जो तारे थे वो छोटे छोटे टुकड़े, मतलब जितना एक नाखून का टुकड़ा होता है, ऐसे ऐसे करके सारी तारे उसमें फैली हुई थी और कहीं कोई तार किसी से कनेक्टेड नहीं थी। और हमारे घर में 5 दिन लाइट आती रही, पंखा चलता रहा, एसी चलता रहा, सब कुछ होता रहा। आप ये सोचिए कैसे हुआ। मेरा जो इलेक्ट्रिशियन था वो भी हैरान था, कहता आंटी ये बताओ कि आपके घर में लाइट कैसे आ रही है जबकि एक भी कनेक्शन लाइट में जुड़ा नहीं हुआ। मैंने तब रियलाइज किया कि ये काम तो गुरुजी ही कर सकते हैं। और उसने भी कहा, कहता सचमुच ये भगवान का करिश्मा है कि अगर किसी घर में तार कोई इलेक्ट्रिक की आ ही नहीं रही तो उस घर में लाइट कैसे आ रही है। ये मेरे गुरुजी हैं कि हमें कहीं उन्होंने परेशानी भी नहीं होने दी, घर में कोई आग भी नहीं लगी, कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, और ये कि हमें गर्मी में भी नहीं बैठना पड़ा। इससे ज्यादा वो हमारे लिए क्या करते। और जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ, मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा गुरुजी मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि 5 दिन तक आपको एक बारी भी याद नहीं कर सकी, और एक बारी भी दिमाग में नहीं आया कि जब इस स्विच बोर्ड में लाइट में इतनी आग लगी हुई है, दीवार तक आग पहुंची हुई है, जली हुई है, तो लाइट कैसे आ रही है। मैंने फिर रियलाइज किया कि गुरुजी है ना, गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं, मगर वो जताते नहीं कि मैंने आंटी तेरा ये कल्याण किया। उस दिन से तो मुझे लगा गुरुजी हर टाइम हमारे साथ होते हैं, अगर गुरुजी हमारे साथ नहीं हो तो हम लोग सच ही है कि एक दिन भी सांस नहीं ले सकते। हमें गुरुजी के बिना जीने की आदत नहीं है। चाहे उन्होंने अब आके शरीर छोड़ दिया है मगर वो भगवान है, भगवान के लिए शरीर होना ना होना सब एक बराबर है। वो तो पहले से भी ज्यादा हमारे साथ है। शरीर में तो हर कि आप कहेंगे इंसान की कि भाई लिमिटेशंस होती है, अब तो उनके लिए कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। वो प्यार भी उतना ही करते हैं, वो हमारी पुकार भी उतनी ही सुनते हैं, हमें सचमुच उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, हर चीज सुनना। कहते कि गुरुजी से मांगो मत, मगर कभी कभी फिर भी हम बेवकूफी करते हैं, हम मांग बैठते हैं, मगर वो क्यों मांग बैठते हैं कि हमारे सर्कमस्टेंसेस इस टाइप से हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक अपना सत्संग। एक बार कहीं हज खास में एक सत्संग था, तो उन्होंने बोला था कि सत्संग मतलब 8 बजे तक खत्म हो जाएगा। पहले तो उन्होंने कहा नहीं, शाम का है, 6 बजे तक खत्म कर देंगे। फिर उनका जैसे प्रोग्राम लेट हो गया कि आंटी आपका सत्संग है, आप ये सुना के जाना, तो हम लोग 8 बजे तक हर हालत में खत्म कर देंगे। अच्छा, मेरा सत्संग जो मैं सुना रही थी वो तो खत्म हो गया, अब दूसरों ने सुनाना शुरू किया। अब ये भी बुरा लगता था कि मैंने अपना तो सुना दिया, दूसरा को सुनाने खड़ा हुआ और मैं उठ के चल दूं। तो मैंने उस आंटी को बोला था कि मुझे मंदिर जाना होता है आंटी, मेरी ड्यूटी है, मेरे पास कुछ ऐसा सामान होता है जो मंदिर में लंगर से पहले पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा आंटी अभी चले जाना अभी। करते करते मैंने देखा, उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी टाइम कितना हो गया, कहते 9:10। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि 9:10 हो गए और 9:15 लंगर शुरू हो जाता और ये सामान तो पहुंचना है। तो जैसे घर से निकली और रोड पर आई तो मेरे हस्बैंड ने फोन किया कि तो कहाँ है, तेरे को पता है ना कि लंगर का टाइम हो गया, सामान चाहिए। तो मैंने उनको बोला मैं तो अभी मालवीय नगर रेड लाइट पर अर्धशील या मालवीय नगर की रेड लाइट पर थे। तो कहते हैं जल्दी आ जल्दी पहुँच, 9:15 लंगर शुरू हो जाएगा, जब से पहले तुझे आना होता है। मैंने उस टाइम गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी जब तक मैं नहीं पहुँचूँ प्लीज लंगर में शुरू करना, मेरे को 9:15 से पहले पहले मंदिर पहुँचा दो। और आप ये देखिए कि उस मालवीय नगर की रेड लाइट से मंदिर तक का रास्ता अगर आप कितना भी तेज चलाए तो आधे घंटे से कम नहीं है ड्राइव करते हुए। और मैं 9:10 पर जब नीचे उतरी और उसके बाद ये सोच रही हूँ कि 9:15 मंदिर पहुँच जाऊँ, मांगने की भी कोई लिमिट होती है, तो मेरी बेवकूफी थी ये सोचना भी, मगर कोई बात नहीं। मैं गाड़ी भी जितनी तेज चला सकती थी चलाया, मगर ट्रैफिक इतना है कि मैरोली रोड पर बहुत ट्रैफिक होता था कि कोई मेरे पास भी उसका अल्टरनेटिव नहीं था, मगर फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करके मंदिर पहुंची और गुरुजी का नाम लेते, गुरुजी प्लीज इज्जत बचा देना वरना सारी संगत परेशान हो जाएगी, मैं क्या करूंगी।
और जैसे मैंने गाड़ी बड़े मंदिर के पास जाके रोकी, उसके बाद वहाँ पर वो कुछ जो चल रहा था वो बंद हुआ, और जैसे मैंने अपने जोड़े उतारे उसी टाइम ओम नमो शिवाय का जाप शुरू हुआ, और अंदर से एक आंटी बाहर आई, दो आंटी आप कहाँ है, सम्मान चाहिए अर्जेंट, और उस टाइम वो मैंने उनको सम्मान दिया, और उस टाइम घड़ी में पूरे पौने दस बज गए थे। मंदिर में कभी भी आज तक 9:45 बजे लंगर शुरू नहीं हुआ, और उस दिन पहला दिन ऐसा हुआ, और मैं हैरान कि मैं पहुंच गई, मुझे पता नहीं लगा कि मैंने आधा घंटा देर कर दी, और मुझे लगा थैंक यू गुरुजी मैं जाप से पहले मंदिर पहुंच गई। जब मैं अंदर गई तो सब आंटी ने बोला, आंटी आज आप कहाँ रह गए थे? देखो वो नल्ली आंटी ने सत्संग सुनाना शुरू किया था, वो सत्संग सुना रहे थे, बार बार लाइट आती थी जाती थी, उनका सत्संग सुनाते सुनाते 9:45 बज गए। मैं हैरान कि आज तक कभी जहाँ लेट नहीं हुआ, गुरुजी ने उस आंटी का सत्संग इतना लंबा किया और मेरा रास्ता शॉर्टकट किया, और मैं मंदिर आराम से पहुँच गई टाइम पर, क्योंकि पहुँचाने वाले गुरुजी थे। और सब संगत के बीच में मदद ही होते कि किसी को कोई रुकावट कोई परेशानी नहीं हुई, जैसे जैसे जो जो सम्मान मिलना था सब कुछ हो गया। थैंक यू गुरुजी, आपने तो मेरी लाज रखी, और मतलब ये कि मेरी बेवकूफी को भी आपने ढका, वरना कभी सोच ही नहीं सकता कि आधे घंटे का रास्ता आप 5 मिनट में सोचेंगे कि 5 मिनट रहेगा और मैं मंदिर पहुँच जाऊंगी। गुरुजी ने तो इतना किया, सिर्फ यही नहीं, गुरुजी को तो हर चीज पता है, उनको बताने की भी जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, फिर भी हम बेवकूफ हैं, मांगते हैं, मांग मांग के हम थक जाएंगे, गुरुजी देते नहीं सकते। हम लोग कल ही जब मंदिर गए तो वहाँ एक आंटी सत्संग सुना रही थी, कहते हैं मांगते हैं ना, हम अगर एक चीज मांगते हैं तो सोचो उसके साथ 4 चीजें और जुड़ जाती हैं जो हमें मांगनी पड़ती हैं। वो कैसे, आप देखिए, अगर आज हम एक गाड़ी मांगते हैं, गुरुजी कहेंगे ठीक है गाड़ी दी, आज अगर वो गाड़ी देते हैं तो इसके बाद अंडरस्टूड है कि गाड़ी खड़ी करने की जगह भी चाहिए, गाड़ी खड़ी करने की जगह चाहिए तो पेट्रोल भी चाहिए, पेट्रोल चाहिए तो उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए, ऐसे करते करते कितनी चीजें जुड़ जाएंगी। आज तो हम सिंपली कह देते हैं कि गुरुजी गाड़ी दे दो, मगर ऐसे ही है कि हम लोग जब एक चीज की तमन्ना करते हैं उसके साथ बहुत चीजें जुड़ती हैं, और वो एक इच्छा को पूरी करने के लिए हम लोग फिर मांगते हैं और मांगते ही रह जाते हैं। इसलिए गुरुजी कहते थे इन चीजों में मत पड़ो, मांगो मत, मुझे पता है तुम्हें क्या देना है, मैं वही दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो चीज हमारे लिए खराब है वो हमें गुरुजी नहीं देंगे। जैसे हम ही अपने घर में देखते हैं, अगर छोटा बच्चा 4 साल का बच्चा हमें कहे कि मम्मी मुझे स्कूटर ले दो, हम क्या उसको स्कूटर लेके देंगे? हम ये कहेंगे कि पहले थोड़ा बड़ा तो हो जा, स्कूटर पर बैठने लायक हो जा, या स्कूटर चलाना थी, जब तक 18 साल का नहीं होगा तो ड्राइव नहीं कर सकता, हम लोग भी बहुत कुछ कहते हैं। और गुरु जी से तो हम लोग ऐसे मांगते हैं जैसे हर चीज पर हमारा ही हक है, अगर आज मांग लिया तो चीज आज ही मिलनी चाहिए, हम लोग तब तो कल का इंतजार भी नहीं करते, और अगर कल वो चीज हमें नहीं मिलती तो हम गुरु जी से बहुत बुरा बुरा भी कहते हैं, गुरु जी आपने क्या कर दिया, हमें ये नहीं मिला, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मतलब फिर जितनी ही हमारे अंदर बुराइयां होती हम सब गुरु जी को वो सुना देते। मगर गुरु जी ने पलट के कभी कुछ कहा कि जो मैंने तुम्हें दिया तुमने कभी उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा किया? हम लोग वाकई गुरु जी का शुक्रिया अदा नहीं करते, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं कि जो चीज हमें मिली ये तो हमें मिलनी ही थी, मगर जो नहीं मिलता हम उसके लिए गुरुजी से झगड़ा कर रहे हैं। मेरे पास भी एक दिन क्या, जब मैं गुरुजी के पास अभी अगस्त 2005 में जाना शुरू हुई थी तो नवंबर 27 को उसी साल 2005 में मेरी बेटे की शादी थी। तो हमारे यहाँ होता है कि जब बहू घर में आती है उसको मतलब जो हमारे यहाँ मंगलसूत्र नहीं डालते, एक रख होती है वो डालते हैं, मैं जो सास कहीं गुरु जी के पास पढ़वा के उसमें कुछ करवा के फिर वो बहू के गले में डाला जाता है, ऐसा सिस्टम था। और जब मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला
कि भी वो राखी डालनी है कैसे डालनी है। तो मैंने कहा आप बताओ कैसे, जो हमारे पहले से गुरुजी चले आ रहे थे पीढ़ियों से, अब तो हम उनके पास कोई जाता नहीं है। अच्छा अब तो गुरुजी के पास जाते तो उनसे करवा ले। मैंने कहा मम्मी हमारे गुरुजी तो ऐसे किसी से बात नहीं करते, या हमारी तो हिम्मत ही नहीं है कि उनसे बात करें। और वाकई गुरुजी का नूर ऐसा होता था कि आप आंख मिला के उनकी तरफ देख नहीं सकते थे। मांगना और बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी तो हिम्मत नहीं, मगर सिंगला अंकल एक वहाँ होते थे तो उनसे एक दिन मैंने पूछा। मैंने कहा सिंगला अंकल ऐसे ऐसे मेरे बेटे की शादी और हमारे यहाँ उड़ाके डालते, वो कहते हैं कि गुरुजी से कुछ पढ़वा के वो डालते हैं। कहते आंटी तो किन वहमों में पड़ गए, गुरुजी का लॉकेट लेना, उसको बनवा के दे देना, वो पहना देना, गुरुजी का फोटो लेके डाल देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते आज तो खत्म हो गए, अगले बार आएगी ना फिर ले लियो। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं भूल गई कि मुझे फोटो लेनी है, मगर एक आंटी जो मेरे साथ खड़ी थी वो एकदम भागी भागी गई, सिंगला अंकल मुझे एक फोटो दे दो। उन्होंने कहा नहीं आंटी इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते लेना। मेरे को भी याद आया एकदम कि मैंने भी तो फोटो लेनी थी बहू के लिए, तो मैं उधर गई सिंगला अंकल के पास। मैंने कहा सिंगला अंकल आपने लास्ट वीक कहा था कि वे बहू के लिए वो लॉकेट लेने के लिए। अंकल ने कहा कहते आंटी आज गुरु जी अपने हाथ की फोटो दे रहे तो ओना तो मांग ले। मैंने कहा नहीं मांगूंगी तो नहीं, एकदम मुंह से ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ही निकला कि मांगूंगी तो नहीं। और मगर असली तो मुझे ये पता थी अंदर से कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं कि मैं गुरुजी से कुछ मांग जाऊं या उनसे बात कर लूं। वाकई मेरे में इतने गट्स नहीं थे कि गुरुजी से जाके बात करती। तो जब हम लोग आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास लाइन में खड़े थे तो देखा गुरुजी अपने हाथ से किसी किसी को कुछ दे रहे थे। तो जैसे मैं पहुंची माथा टेका, मेरे दिमाग में भी नहीं कि मैंने गुरुजी से लॉकेट मांगना या कहना, क्योंकि मेंटली ही नहीं प्रिपेयर थी, मैं गुरुजी से मांग ही नहीं सकती थी। जैसे मैं झुकी गुरुजी ने कहा आंटी हाथ खोल, मैंने हाथ खोले, उन्होंने वो एक सुंदर सा लॉकेट मेरे हाथ में दे दिया और मैं इतनी खुश मतलब मेरे जमीन पर पाँव नहीं पड़ रहे थे। आप तो सोच नहीं सकते उससे मेरी क्या कंडीशन थी कि जो इंसान एक भगवान से आंख मिलाते हुए भी डरता हो, बात करते हुए भी डरता हो और हिम्मत ही नहीं हो कि उनसे कुछ कह सके, और उन्होंने जब कहा कि आंटी हाथ खोल और मेरे हाथों में वो तस्वीर गुरु जी की, बस वो आनंद आया मुझे जैसे एक बच्चे को कोई मतलब उसके मनपसंद चीज मिल जाए वो खुश होता है। मेरी वो हालत थी, मैं अपनी उम्र भूल गई थी, मैं अपनी बीमारियां भूल गई, सब भूल गई थी। मतलब मैं भागते हुए चप्पल पहन के गई और गाड़ी तक मेरे कदम नहीं रोकते थे। मैं इतनी खुश थी कि दुनिया का कौन सा खजाना मुझे मिल गया, गुरुजी अपने हाथ से थे तो क्या बात है। और वैसे हम लोग इतना डरते थे, गुरुजी अगर किसी से ये पूछ लेना आंटी तेरा नाम की है, मतलब सच्चाई ये थी कि हम लोग अपना नाम भी भूल जाते थे। और गुरुजी कभी कभी बात करते थे जैसे किसके साथ आए हो, की नाम है, और बहुत बहुत कुछ उन्होंने पूछा। मगर तब हम लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते थे कि गुरुजी क्यों पूछ रहे हैं और क्या। पहले दिन उन्होंने मेरे अंकल से बात की, अंकल मैं क्योंकि गुरुजी के पास जब हम आते हैं तो गुरुजी सबको आंटी और अंकल कहते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, लेडी जो भी हो वो आंटी है, और जो भी जेंट्स हो वो अंकल है। छोटा बच्चा हो बड़ा हो एज कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अंकल ने जब पांव छुए गुरुजी के तो अंकल से पूछा उन्होंने, अंकल कितने काम कर रहे हो? अंकल ने बताया बैंक में। कहने केड़े बैंक? की स्टेट बैंक। ए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर? कहने नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक। अच्छा उसके बाद एक हफ्ता हुआ छोड़ के, उसके मेरे से पूछा। हालांकि लेडीज के लिए कोई सोचे कि भाई नौकरी करती है कि नहीं करती, जब तक बताए नहीं तो नहीं पता लगता। तो गुरुजी ने एकदम मेरे से पूछा सीधा ही क्वेश्चन, आंटी तू कितने नौकरी कर दी? मेरे को तो एकदम समझ नहीं आया कि क्या हो गया। फिर मेनका गांधी भी साथ ही बैठी थी गुरुजी के चरणों के पास, उन्होंने कहा आंटी गुरुजी पूछ रहे हैं कहाँ नौकरी करते हो? मैंने तो गुरुजी बीसीएम में।
कहते वो डीसीएम क्यों होंगे? मैंने कहा श्री राम जीवन मतलब डीसीएम का यूनिट है। अपनी तरफ से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कहने तेरा ऑफिस कितने? मैं क्या गुरु जी कनॉट प्लेस? कहने कनॉट प्लेस तो बहुत बड़ा, तेरा ऑफिस कितने? मैं क्या बारह खंबा रोड पे? बारह खंबा रोड पे बहुत बड़ी है, तेरा ऑफिस कितने? मैं क्या आकाश जी बिल्डिंग? अच्छा अच्छा ठीक है, आकाश जी बिल्डिंग खत्म होगी। कहते चलो चले गए। मगर ये बात थी 2006 के आसपास की, स्टार्टिंग ऑफ 2006। और अब आके जब ये दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, तब पता लगा कि जो बम ब्लास्ट कनॉट प्लेस में हुआ वो बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के नीचे हुआ, और उसी टाइम हुआ जिस टाइम हम लोग ऑफिस से निकलते हैं। तो अब देखो, गुरुजी को 3 साल पहले तब ये पता था कि ये इंसिडेंट होना है और आंटी के निकलने का ऑफिस से ये टाइम है, और उसको बचाना है या क्या करना है क्या नहीं करना मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने बचाया मुझे। सिर्फ नाम ही पूछा ना उन्होंने, जगह का, हर चीज का। और हम लोगों के भी लगता है कि अगर ये भगवान है तो हम लोगों से इतनी चीजें क्यों पूछ रहे हैं, कि भगवान को तो सब कुछ पता है। मगर उस चीज की सच्चाई हमारे सामने तब आती है जब वो उस जगह को भी ब्लेस कर देते हैं। और जिस दिन ये दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, तो सैटरडे था, मैं मंदिर जाने के लिए अपने अभी सो रही थी दोपहर के टाइम, मेरे पास फोन आने शुरू हो गए, मम्मी मंदिर नहीं जाना, आज दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गए, आज दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गए। मैरोली साइड में मतलब ये हुए बम ब्लास्ट, वहाँ पर 2:30 बजे के आसपास, 2:30 या 3 बजे के आसपास हुआ। तो मेरे पास सबने फोन करना शुरू कर दिया, आंटी मंदिर नहीं जाना, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गए, खतरा हो जाएगा ये वो। मैंने कहा यार 4 बजे तक तो मुझे सोना होता है ऑफिस से आके, वो भी नहीं किसी ने सोने दिया, तब घर बैठ के क्या करना, चलो मंदिर चलते। और मैंने गाड़ी उठाई, मैंने अंकल ने हम लोग मंदिर के लिए, रास्ते में भी फोन आते रहे कि मंदिर नहीं जाना मंदिर। मैंने कहा देखो मरना इंसान को एक बार ही है, आज मरे कल मरे जब भी मरे कोई चिंता नहीं, गुरुजी है ना। हम लोग इतना मस्त होके मंदिर गए, कहीं रास्ते में कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कोई भीड़ नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, और इतने आराम से हम लोग मंदिर पहुंचे। और दिमाग में भी नहीं आया कहीं बम ब्लास्ट का कोई चक्कर है। मगर उस दिन हुआ क्या, आधी से ज्यादा संगत रास्ते से होके वापस चली गई। जिनको विश्वास है गुरुजी पर, वो सिर्फ गुरुजी को ही देखेंगे, उनका एम सिर्फ गुरुजी है। और जिनका विश्वास है दुनिया पर कि है बम ब्लास्ट हो गया, नहीं जाना, मर जाएंगे, खतरा हो जाएगा, क्या हुआ क्या, वो सोचते ही रह जाएंगे। अगर गुरुजी से जुड़ना है, दिल से जुड़ो। दिल का ये है कि दिल ने जो कह दिया हाँ तो हाँ, बस गुरुजी को हमने जब दिल से मान लिया कि गुरुजी हैं, गुरुजी भगवान है, और भगवान अपने भक्तों को दुख नहीं देता, अगर वो दुख देते हैं तो उसमें भी कोई सुखी होता है, जो उस टाइम हमें दुख लगता है मगर उसमें भी सुख है। भरोसा रखो तो खुले दिल से गुरुजी पर भरोसा रखो, सोचो मत, पीछे मुड़ के मत देखो, और जो पीछे मुड़ के देखेगा वो तो अटक ही जाएगा। इस पर मैं एक चीज सुनाती हूँ, एक बार ना ये सच्चाई है, इंसिडेंट आया था न्यूज़पेपर में, एक माउंटेनियर जो था वो चढ़ता है पहाड़ पर चढ़ जाता है, झंडा गाड़ना होता है, झंडा भी गाड़ देता है। जब वो नीचे उतर रहा होता है तो उस जो माउंटेनियर था उसका पैर फिसल जाता है, ऊपर से नीचे तक गिरता आता है, मगर इनकी रस्सी बंधी होती है इसे वो वैसे तो गिरा नहीं, रस्सी के सहारे सहारे नीचे तक आ गया। तो जब गिर रहा तो भगवान को आवाज देता है, हे भगवान बचाओ। तो भगवान प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बोलो क्या बात है, कि भगवान मुझे बचाओ। कहते हैं अच्छा तुम मेरे पर विश्वास रखते है? कहता हाँ भगवान पूरा विश्वास रखता हूँ। कहते देख ले पूरा विश्वास रखते है? हाँ भगवान मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। कहते अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे पर पूरा विश्वास रखते है तो ये रस्सी छोड़ दे। एकदम कहते नहीं 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 नहीं, अगर मैं रस्सी छोड़ दूंगा तो मैं तो गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और वो इंसान रस्सी नहीं छोड़ता, क्या उसने मन से तो मतलब ऊपर से तो कह रहे कि हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, मैं सब कुछ करूंगा था। और जब भगवान ने कहा कि रस्सी छोड़ दो तो हमने रस्सी नहीं छोड़ी। और अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर में आता है कि एक इंसान जमीन से 10 फुट
पहुंचे बर्फ में, मतलब हवा में लटका हुआ बर्फ के कारण ठंड में जम के मर गया। और ये सच्चाई है, ये न्यूज भी आई। और अगर आप देखो उस इंसान ने वाकई ही भगवान पर विश्वास किया होता तो छोड़ देते ना रस्सी को, 10 फुट से गिर के मरता नहीं। क्या उसको नहीं पता कि कितना गहरा है कितना नहीं है? मरना वही है ना कि एक ही बारी मरना है, बार बार तो नहीं मरना। अगर भगवान कह रहे कि छोड़ दो तो छोड़ दो। अगर भगवान खुद ही तुम्हें मारने के लिए तो भी कोई बात नहीं, भगवान के हाथों मरेंगे तो भी तो कल्याण है ना। इसलिए अगर विश्वास रखो तो पूरा विश्वास रखो, वो भगवान है और वो हमेशा हमारे साथ है। और उनके ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं तो खुले मन से विश्वास रखो। मैं सबसे यही कहूंगी, पूरे दिल से गुरु जी को अपनाओ। उनको अपनाने का यही है, विश्वास रखो, प्यार करो, प्यार के बदले प्यार ही दो। कहीं गुरु जी ने आपसे कुछ नहीं मांगना, मगर फिर भी उनसे प्यार करो, उनका गुणगान करो। हम जितना उनका गुणगान करेंगे, जितना उनका गुणगान सुनेंगे, उसमें सबका कल्याण है। कहते हैं जो गुरु जी का सत्संग करता है उसका भी कल्याण है, जो उनका सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है। कई बार तो हम लोग ये कह देते हैं, अंकल ये सत्संग तो हमने पहले सुना हुआ है। कोई अंकल सुनाते नहीं, अंकल ये तो सुना हुआ है, या हम उसको छोड़ के उठ के चले जाते हैं। मगर होता क्या है, जब हम बीमार होते हैं हमें डॉक्टर दवाई देता है और वो एक ही दवाई एक हफ्ता खाने के लिए बोलता है और एक दिन में 4-4 बारी खाने को बोलता है, तब तो हम उस डॉक्टर को नहीं कहते कि भाई ये गोली तो मैंने सुबह खाई थी, मैं दोपहर को क्यों खाऊं, या मैं शाम को क्यों खाऊं, या मैं 5 दिन क्यों खाऊं, या 10 दिन क्यों खाऊं। तब तो हम उसकी बात मान लेते हैं। मगर जो गुरु जी ने कहा हुआ, जो उनका सत्संग सुनाते हैं, वो उस सत्संग में हर किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। जितनी संगत बैठी होती है उनमें से किसी ना किसी मन के मन में ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोई शंका होती है, जो गुरुजी उस सत्संग को सुनवा के उसकी शंका दूर करते हैं। और जो सुनने को मिल जाए उसमें भी हमारा कल्याण है। इसलिए गुरुजी का सत्संग जहाँ सुनने को मिले उसको प्यार से सुनो, अनमने मन से नहीं सुनो। गुरुजी का चाय प्रसाद लंगर प्रसाद इनको अच्छे मन से श्रद्धा से खाओ। शिव पुराण में भी मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा, उसमें भी यही लिखा हुआ है, जो शिव का जो लंगर प्रसाद है भोग है उसके दर्शन कर ले, उस इंसान का भी कल्याण है। और जो शिव का लंगर श्रद्धा और विश्वास से खाता है उसको तो सब कुछ मिल जाता है। और शिव के लंगर के लिए कभी भी मतलब डिले मत करो, उसको मना मत करो, अभी नहीं मुझे खाना, मैं बाद में खाऊंगा, क्योंकि ये हमारी ब्लेसिंग्स है, इसको पूरा खाओ। अगर आपको कोई 1,00,000 रुपया देता है तब तो आप ये नहीं कहते कि 1,00,000 में से नहीं मुझे 1 रुपया दे दो बाकी आप रख लो। तब तो हम लोग सारा पैसा लेना चाहते। गुरु जी का लंगर प्रसाद जो हमारी ब्लेसिंग्स है, इसमें से कभी भी आप मना नहीं करो, इसको जूठा मत छोड़ो, इसको पूरा खाओ। जितना खाओगे विश्वास और श्रद्धा के साथ सब कुछ मिलेगा। जय गुरु जी।